जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं SM न्यूज़ का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक इतना अच्छा काम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमें दिया है, जिससे कि हमारी बात एक मंच पे नहीं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर पहुँचाने का काम करते हैं। और दूसरी बात, मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा है। और वैसे तो मैं काफ़ी लंबे समय से बहुजन समाज का कार्य कर रही हूँ और करती रहूँगी, आजीवन करती रहूँगी, क्योंकि जब जब हम लोगों को कोई अधिकार नहीं थे, हमारी कोई ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं था, तो उस वक्त हम नहीं समझते थे कि हमें क्या करना है। लेकिन धन्य हो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। आज हम समाज के हर वर्ग, हर जगह पे जा कर के अपना प्रतिनिधित्व तो निभा रहे हैं। ये केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। मैं पिछले काफ़ी लंबे समय से लोग बाबा साहब के मिशन पे बहुत काम कर रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि हमारा मात्र अगर किसी ने उद्धार किया है बहुजन समाज का, 85% का अगर उद्धार किया है, तो वो केवल और केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किया है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रूपरेखा बताना चाहती हूँ कि जब मैंने इस कारवा को में आई और शुरुआत की, तो मैंने बाबा साहब के उन जगहों को जाके देखा जहाँ से हमारे महापुरुष ने जो है आंदोलन शुरू किया। इसमें मैं छोटा सा जिक्र करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं महाड़ के तालाब पर गई, जहाँ बाबा साहब ने 20 मार्च 1927 को पानी पीने के लिए संघर्ष किया था। उसके बाद वहीं से थोड़ा सा दूरी पे, आधा किलोमीटर की दूरी पर क्रांति भूमि है, जहाँ बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को इस मनुस्मृति को दहन कर दिया था और अपने लोगों को इस मनुस्मृति से दूर कर दिया था कि हमारा इस मनुस्मृति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। हमारा अगर बाबा साहब ने हमारा नाता जोड़ा है, तो भारत का संविधान हर देश के हर नागरिक के लिए उसमें समता, समानता, बंधुता, एकता, सब अधिकार हमें लेके दिए। और कालाराम मंदिर, जहाँ बाबा साहब ने 1.5 साल मंदिर में जाने के लिए संघर्ष किया, वहाँ भी मैं ये अपना 2 मार्च 1930 को बाबा साहब ने ये संघर्ष किया था, मैं वहाँ बाबा साहब के उस स्थान पे भी गई और बड़ा दुख हुआ कि हमारे महापुरुष ने, जब कोई साधन नहीं थे, बाबा साहब अकेले थे, आज तो मैं 10-10, 15-15 लोगों को अपने साथ लेकर के इन जगहों पे गई हूँ। और भीमा कोरेगांव, जहाँ पर हमारे 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को कत्लेआम कर दिया था और विजय का झंडा फहराया था, तो उन जगहों को देखने से बहुत प्रेरणा मिलती है। हमें भी लगता है कि हमें अपने समाज में अब काम करना चाहिए। और इसी तरह बाबा साहब के इस उसमें दीक्षा भूमि नागपुर, अभी मैं नागपुर से होके आई हूँ अपने 10-12 साथियों के साथ। दीक्षा भूमि नागपुर है, वहाँ पे और भी कई चीज़ें हैं, चंचोली है जहाँ बाबा साहब का संग्रहालय है, और वहाँ पे दरगन टेम्पल है, और वहाँ पे नागलोक है। दीक्षा भूमि में जाके लोगों को बड़ा एक प्रेरणा मिलती है कि जब बाबा साहब ने हमें शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा दिया, तो उसी के साथ साथ हमें धर्म भी दे दिया। तो हमारे लोगों को समझना चाहिए कि हमें कैसे बाबा साहब के कामों को, अधूरे कामों को बाबा साहब ने जो हमें बताया उस पे चलना है। लेकिन आज भी हम बहुत ज़्यादा तादाद में मनुवादी प्रवृत्ति के शिकार हुए हैं, हो रहे हैं, और हमारे लोग इस चंगुल से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अब मैं, आपने क्वेश्चन मेरे से किया है कि आपको कौन सी ऐसी बात है जो इन सब के बाद अच्छी लगी, तो मैं यहाँ बता दूँ आपको कि पूना पैक्ट पे जब बाबा साहब ने हस्ताक्षर किए, वो करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी के कारण उन्हें करने पड़े, और क्योंकि गांधी के प्राणों को बचाना था, गांधी अनशन पे आ गया था और बाबा साहब अकेले पड़ गए थे। और बाबा साहब ने सोचा कि जब मेरा समाज ही जिंदा नहीं रहेगा, तो मैं इन अधिकारों का क्या करूँगा। तो बड़ी मजबूरी में, बड़े दिल पर पत्थर रख कर बाबा साहब ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन वो करना नहीं चाहते थे। उसके बाद उन्होंने सोचा, बाबा साहब ने, कि अब मैं समाज के लिए ऐसा क्या करूं जिससे मैं समाज को वो अधिकार जो मैंने पूना पैक्ट में खो दिए हैं उनको वापस दिला सकूं। तो बाबा साहब ने बहुत गहन सोच थी और बहुत बुद्धिजीवी आदमी थे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो ऐसा कहा था कि हमारे 500 ग्रेजुएट बाबा साहब के बराबर, अकेले बाबा साहब जो है हमारे 500 ग्रेजुएटों से बढ़ के हैं। तो बाबा साहब ने फिर बहुत गहन सोच, चिंता, मनन करने के बाद 1942 के अंदर
अंग्रेज़ों को कन्वेंस किया और उनसे उनको कहा कि मैं देखो अलग कंट्री नहीं मांग रहा, जैसे मुसलमान जो है अलग कंट्री का पाकिस्तान मांग रहे हैं, मैं ऐसे अलग कंट्री तो नहीं मांग रहा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि 3-4 राज्य में मुझे दे दिए जाएं और उन 3-4 राज्यों में मेरे ही लोग रहेंगे और मेरे लोग रहेंगे तो मैं जो है अपने अपने लोगों को विकास की दर पर ले जा सकता हूँ, विकास करा सकता हूँ। लेकिन अंग्रेज़ों ने बाबा साहब की सोच को जानते हुए मानते हुए तो उनको कहा कि ठीक है हम आपको आने वाले 20 सालों के अंदर सेपरेट सेटलमेंट बना करके देंगे और वो मंजूर करा लिया था उनसे। लेकिन जब उस सेपरेट सेटलमेंट का हमें क्या फ़ायदा होता ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो MP और MLA हमने पूना पैक्ट में खो दिए थे, क्योंकि पूना पैक्ट में हमें डबल वोटिंग का अधिकार मिला था, वो हमने वहाँ खो दिया था, तो बाबा साहब की उच्च सोच के कारण वो हमें सेपरेट सेटलमेंट में मिल जाते। MP और MLA जिन राज्यों को बाबा साहब मांग रहे थे उन स्टेटों से जो MP और MLA चुन के आते, क्योंकि जब उन स्टेटों में लोग ही हमारे होते तो हमारे ही लोग चुन के आते और वो जो हमारे लोग चुन के आते तो वो सरकार में एक अहम भूमिका निभाते और जो है सरकार जो है हमारी ही बनती किसी और या फिर हमारे समर्थन से बनती। तो पहली बात तो हमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो जाता कि हम जो पूना पैक्ट में हमने MP और MLA खोए थे वो हमें सेपरेट सेटलमेंट में मिल जाते। और दूसरा बड़ा फ़ायदा कि जब वहाँ पर लोग ही हमारे रहते तो वहाँ पर जो ज़मीनें थीं उन स्टेटों के अंदर वो ज़मीनों के मालिक भी हमारे ही लोग रहते, क्योंकि जब हमारे लोगों के पास ज़मीन होगी तो वो आगे आगे विकास कर पाएंगे। लेकिन ये जो साहब काशीराम जी ने एक नारा दिया था कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, लेकिन जब हमारी सरकार बनेगी तभी तो हम वो ज़मीन अपने लोगों को दे सकते हैं, तभी तो हम वो ज़मीन बांट सकते हैं। जब बहन कुमारी मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने बड़े लेवल पे जो पुरानी सरकारों ने जो पट्टे बाँट रखे थे उन पट्टों को बहन जी ने ज़मीन पर ला करके उनको ज़मीन देने का काम किया। तो ये तब हो पाया जब हमारी यूपी के अंदर सरकार आई, तो हमें दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता कि हमारे लोग वहाँ ज़मीनों के मालिक बन जाते। और तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता कि हमारी बहु बेटियाँ बहन बेटियाँ जो दूसरे के खेतों में काम करती हैं, हमें दूसरे के खेतों में काम नहीं करना पड़ता। जब ज़मीन हमारी होती, खेत हमारे होते तो मालिक भी हम ही होते और हमारी बहु बेटियाँ और बहन बेटियाँ हमारे समाज की वो दूसरों के यहाँ जाके गुलामी नहीं करती, वो हमारे ही अपने ही खेतों में काम करती, अपनी ही ज़मीन में काम करती। तो ये हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता और हम भी इज्जत और मान सम्मान के साथ जी सकते थे। लेकिन ये विश्व युद्ध के कारण 1945 में जो विश्व युद्ध हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुई, उसके कारण अंग्रेज़ों को भारत को जल्दी छोड़ना पड़ा, जल्दी आज़ाद करना पड़ा और अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमसे ये कहा था कि आने वाले 20 सालों में हम आपको सेपरेट सेटलमेंट बना के देंगे। लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ यहाँ से चले गए और ये जो इस देश के अंदर ये कांग्रेसी कहाँ चाहते हैं आज भी नहीं चाहते कि हम कोई मालिक बने, हम कहीं पे मान सम्मान के साथ जिए। इनको तो आज भी 85% समाज को अधिकारों से वंचित रखना है, उनके ऊपर राज करना है और उनको बांट के रखना है, ये इनकी रणनीति पहले से रही है और अभी भी है, और ऐसा ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समाज में सुधार आ रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी राजेश कुमारी जी का, जिन्होंने हमें अच्छे से बताया कि सेपरेट सेटलमेंट क्या होता है। तो धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।